इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग फॉर द आर्मी और द डिफेंस पर्सनल जी हाँ देखिए असेसमेंट यह चौबीस पच्चीस के अंदर बाई डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे फॉल करने वाले हैं तो एज ए आर्मी पर्सन कौन कौन सी डिरेक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है साथ में यहाँ पे अगर आपको रिजीम चूज करनी है तो आपको कैसे चूज करनी चाहिए अगर आपको हंड्रेड परसेंट टी डी एस का रिफंड लेना है तो किन सिचुएशन के अंदर वो चीजें पॉसिबल है कौन सा आई टी फॉर्म आपको चूज करना है स्टेप बाय स्टेप पूरी फाइलिंग कैसे होगी ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी आई फाइलिंग वगैरह कराना चाहते हैं कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात कर लेते कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखनी है इस साल जब आप आई फाइलिंग कर रहे हैं पहली चीज तो ये फॉर्म सिक्सटीन इश्यू करने के बाद में ही आपको आई फाइलिंग करनी है क्योंकि तब तक आपका टीडीएस यहाँ पे अपडेट नहीं होता और टीडीएस को यहाँ पे चेक करने का बेस्ट तरीका है अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर आप लॉग कर लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न में जाइए यहाँ पे आपको व्यू ट्वेंटी सिक्स देखना है तो यहाँ पे आप असेसमेंट या सौ करके HTML व्यू करके आप अपना टी देख सकते हैं कि टीडीएस मेरा गवर्नमेंट ने यहाँ पे काट करके डिपॉजिट कराया है कि नहीं कराया तो एक बार जैसे आपका फॉर्म सस्टेन इश्यू आता है ऑलमोस्ट मई के मिड के मंथ में यहाँ पे इश्यू हो जाता है और आपका टी भी यहाँ पे मई मिड तक जो है आसानी से अपडेट हो जाता है दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है आपको जाना है ए वाले बटन के अंदर यहाँ पे देखिए आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे तो यहाँ पे आपको दो चीजों पे गौर करना है अगर आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम है तो आप आई टी वन फाइल कर सकते हैं लेकिन आजकल कई सारी आर्मी पर्सनल जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है तो अगर आपने म्यूचुअल फंड बेच करके प्रॉफिट कमाया या स्टॉक को बेच करके प्रॉफिट या लॉस बुक किया है तो उस केस में आपको आईटीआर टू फाइल करनी पड़ेगी या इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं इंट्रा में करते हैं तो उस केस में आपको आई टी फाइल करनी पड़ेगी इसके अलावा भाई इस साल जो है आप टैक्स रिजिम के अंदर बाई डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फॉल करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजिम में जो है सात लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है पच्चीस हजार की आपको रिबेट देखने को मिल जाती है ओल्ड टैक्स में पांच लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था तो बाय डिफॉल्ट आप इस साल न्यू टैक्सेस में फॉल करने वाले इसका सिंपल सा मतलब है अगर सात लाख के आपके नीचे इनकम है तो आपको हमेशा न्यू टैक्स रिजिम ही यहां पे चूज करनी है लेकिन देखिए अगर आपकी सात लाख के ऊपर की इनकम है तो आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे को सबसे कम टैक्स पे जो है किस में करना पड़ रहा है अगर मैं न्यू टैक्सिंग की बात करूँ तो कुछ डिडक्शन आपको अलाउ नहीं आएगी जैसा कि मैं अलाउंसेस आपको मिलते होंगे यूनिफॉर्म अलाउंसेस वगैरह हो गया या कोई भी अलाउंसेस जो सेक्शन टेन के अंदर एग्जाम होते हैं जैसे जब आप अपना फॉर्म यहाँ पे सोलह भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सेक्शन टेन दिखेगा तो जिसके अंदर आप यहाँ पे जो आपको अमाउंट दिखता था न्यू टैक्सिम के अंदर इसको डिसअलाउ कर दिया गया है इसी तरह से आपकी जो ए की भी जो डेढ़ लाख की डिडक्शन होती थी वो न्यू टैक्स में आपको नहीं मिलने वाली है न्यू टैक्स इनका बस फायदा आपको यही मिलेगा कि सात लाख ,00 के अगर नीचे तक इनकम है तो कोई भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला चलिए बात करते हैं कि फाइलिंग कैसे करनी है तो सबसे पहले आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चौबीस और पच्चीस यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है मूल जो मोड है आपको हमेशा ऑनलाइन रखना है बटन के ऊपर क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है स्टेटस अपना इंडिविजुअल रखिएगा इसके बाद में यहाँ पे आपको आई टी फॉर्म जो है सेलेक्ट कर लेना है ऐसे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है या आपसे रीजन पूछेगा क्यों आई टी आर फिलअप करना चाहते हो सिंपली आप अदर ऑप्शन चूज कर सकते हो फिर यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आपके स्क्रीन के सामने शेड्यूल खुल जाएंगे एक एक करके सबको शेड्यूल को जो है आपको कन्फर्म कराना है तो शुरुआत करते हैं हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ तो यहाँ पे भाई सबसे पहले आता है नेचर ऑफ दी एम्प्लॉयमेंट तो देखिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेलेक्ट करना है फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इस बार जो एक चेंजेस आया है कि अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स जिम से लेकिन जैसे मैंने बताया आप अपना सिंपली फॉर्म सोलह चेक कीजिए अगर आपकी जो ये वाली नेट इनकम है जो टोटल इनकम आपकी आती है अगर वो सात लाख ,00 के नीचे है तो हमेशा आपको न्यू टैक्स जिम ही चूज़ करना है तो इसको आपको ऑप्ट आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर मान लीजिए सात लाख ,00 के ऊपर आती है तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए आप चाहे तो इनकम टैक्स का ऑफिशियल ये कैलकुलेटर है उसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं न्यू वर्सेस ओल्ड किसके अंदर मेरे को कम टैक्स टाक, जो है पे करना पड़ रहा है तो मान लीजिए अगर आपको वगैरह चाहिए फॉर्म में जो दी हुई है वैसे आपको सारी चाहिए तो उस केस में आपको इस यस, यस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा तभी आप जितनी भी सेक्शन टेन होता है एटीसी की डिडक्शन होती है वो आप यहाँ पे अवेल कर पाएंगे तो चलिए मैं आपको दोनों ही केस बता देता हूं पहले हम लोग न्यू टैक्सम के साथ में चलते हैं फिर मैं आपको ओल्ड दिखा दूंगा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे अगर एड नहीं है

आप चाहे तो अपना फॉर्म सिक्सटीन से भी उसको क्रॉस मैच कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पे एग्जेप्टेड अलाउंस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो अलाउंसेस होते हैं यूनिफॉर्म अलाउंसेस वगैरह ऐसा कुछ का जो है डायरेक्शन आपको नहीं मिलने वाला तो इसको सिंपली ब्लैंक रखना है स्टैंडर्ड डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट आपको पचास हजार रुपए मिलने देखने को मिल जाता है इसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का कॉलम देखने को मिलता है जिसके अंदर बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट डिविडेंड ये इनकम चीजें होती है तो यहाँ पे आप एडवर्टेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं वैसे आपको अधिकतर चीज़ें प्रीफिल्ड मिलेगी क्योंकि ए से सारी चीज़ें ये प्रीफिल्ड हो जाती है ऐसे मान लीजिए अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं लेकिन उसका कॉलम वगैरह नहीं है तो यहाँ पर आपको एक एनी अदर का भी कॉलम मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपनी इनकम डाल सकते हैं और उसका एक डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं इसके बाद में अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसका अगर आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर न्यू टैक्स के अंदर सेल्फ ऑक्युपाइड जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट का जो बेनिफिट होता है टैक्स बेनिफिट होता है वो आपको नहीं मिलता है लेकिन अगर आपकी कोई लेटआउट प्रॉपर्टी है तो उसका यहाँ पे आप रेंट की इनकम डाल सकते हैं और उसका जो इंटरेस्ट अगर आप होम लोन चुका रहे हैं उसका उस वाली प्रॉपर्टी का तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है दो लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं इसके बाद में थर्ड कॉलम आपका टोटल डिडक्शन का आता है लेकिन मैंने बताया न्यू टैक्स में आपने चूज की हुई है तो यहां पे आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा सिंपली आपको कंफर्म करना है अगला कॉलम जो है आपका टैक्स पेड का होता है जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट ने जितना भी टीडीएस कटा हुआ है वो आपको यहां पे दिख जाएगा और लास्ट कॉलम के अंदर आपकी टोटल टैक्स लाइब्रेटी दिखाई जाएगी तो जैसे बताया कि अगर सात लाख के नीचे नेट इनकम है तो यहां पे आपको टैक्स के ऊपर आप देख सकते हैं आपको रिबेट मिल जाती है और आपका जितना भी टीडीएस कटा हुआ है वो पूरा आपको रिफंड

जैसे कि जो सेक्शन टेन का अलाउंसेज होता है एच आर यूनिफॉर्म अलाउंस या जो भी आपको जिस भी टाइप के अलाउंसेज मिलते हैं वो सारे अलाउंसेज के कॉलम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और इसके अलावा जो टोटल डायरेक्शन वाला कॉलम है वहां पे भी आप देखेंगे आपको जो एटीसी की डेढ़ लाख की डायरेक्शन मिलती है यहाँ पे वो कॉलम भी आपको दिख जाएगा तो अगर फॉर्म सिक्सटीन में मैंशन है या आपके पास में ए की डिडक्शन है तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं इसके अलावा जैसे आपका ए हो गया ए डबल टी ए हो गया जहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है दस हज़ार तक माफ़ होता है आपका टैक्स एग्जाम रहता है तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे अवील कर सकते हैं इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस है या लेट सपोज सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो डी का भी कॉलम यहां पे आपको देखने को मिल जाता है लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे ओल्ड टैक्स टैक्सिम आपने चूज किए और आफ्टर ऑल डिडक्शन जो है यहाँ पे आपकी टोटल इनकम जो है पांच लाख से ज्यादा आती है तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर टैक्स बनता है तो यहां पे यही कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा न्यू टैक्सिज्म ओल्ड टैक्सिज्म के अंदर कि किसके अंदर मेरे को कम टैक्स पे करना है करना पड़ रहा है और किसके अंदर मेरा कितना टी डी एस कटा हुआ है और वो सिचुएशन डिपेंड करेगी कि आपको कितना टीडीएस का रिफंड मिल सकता है अगर लेट सपोज फॉर्म सिक्सटीन में अगर आपने ओल्ड टैक्सिज्म चूज की हुई है मान लीजिए आप टैक्स फाइलिंग न्यू टैक्सिज्म के साथ में करना चाहते हैं वहां पर आपका टैक्स कम बन रहा है तो डेफिनेटली आपका टीडीएस रिफंड हो जाएगा या ये सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे फॉर्म सिक्सटीन आपका जो है न्यू टैक्सिज्म में इशू हो रखा है और आप ओल्ड टैक्स जिम के अंदर यहां पे डायरेक्शन वगैरह क्लेम करते हैं अपनी इनकम वगैरह जो है यहाँ पे माइनस करते हैं तो उस उस केस केस में में अगर आपका आपका टैक्स कम बनेगा तो उस केस में भी आपका जो है टीडीएस का रिफंड पे पॉसिबल है तो इस बार थोड़ा सा ये चक्कर है न्यू ओल्ड वर्सिम ओल तो ये आपको सबसे पे इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान में रखना है अब लास्ट में बॉस कुछ नहीं है यहाँ पे आपको प्रिव्यू रिटर्न क्लिक करना है आपको चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है या ऑफिशियल फॉर्मेट हो जाता है पूरा आईटीआर का नीचे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक करेंगे कोई भी एरर होगा तो आपको दिखा देगा वन वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा प्रोसेस टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है एक आधार ओटीपी डालो और अपनी आई टी आन यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो तो गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे चेंजेस की बात करूँ तो इस साल चेंजेस यही हुआ है कि आपको न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स के अंदर यहाँ पे देखना पड़ेगा न्यू टैक्स टैक्सिम के अंदर कई सारे डायरेक्शन और अलाउंसेस आपको अलाउ नहीं होंगे वहीं पर ओल्ड टैक्स टैक्सिम में अलाउ है लेकिन वहां पर आपका टैक्स बन जाता है तो आपको दोनों के बीच में कंपेरिजन करना है और अपने लिए यहाँ पे बेस्ट रिजिम यहाँ पे चूज करनी है बाकी गाइस अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आई आई फाइल कराना चाहते हैं तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप लोग की कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच